नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका निष्कर्ष क्लासेज विभाग जोधपुर में। आज हम बात करेंगे साथियों राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, राजस्थान की नदियों के बारे में। उसमें नंबर एक भाग पढ़ेंगे हम आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह साथियों हम कह सकते हैं इसको अंतः प्रवाह भी कह सकते हैं, आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह। यदि आपको पूछे सागरीय अंतः विन्यास के आधार पर, सागरीय अभिविन्यास के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा गया है साथियों, राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक आपने पढ़ा कौन सा, आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह। इसका भाग है साथियों 60.2%, कितना भी आपका। नंबर दो भाग है आपका अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, तो नंबर दो भाग कौन सा हो गया आपका, अरब सागर का पार्ट। इसका पार्ट है 17.1%, कितना साथियों 17.1% है। तीसरा भाग है आपका बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, तो तीसरा पार्ट साथियों बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां। इसका भाग है साथियों 22.5%। तो राजस्थान की नदियों को अपवाह तंत्र के आधार पर या सागरीय अभिविन्यास के आधार पर कितने भागों में बांटा हमने, तीन भागों में। नंबर एक कौन सा है, आंतरिक या अंतः प्रवाह, सबसे बड़ा भाग यही आपका। और नंबर दो भाग हमने पढ़ा कौन सा, अरब सागर, जिसका भाग कितना भी आपका 17.1%। तीसरा भाग कौन सा पढ़ा हमने, बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, कितना भाग भी आपका 22%। अब राजस्थान को तो समुद्री भाग लगता नहीं है, इसका मतलब राजस्थान की नदियां किन्हीं अन्य नदियों के सहायक नदियों के रूप में जाएगी और वो अपना जल कहाँ उड़े लेगी, बंगाल खाड़ी या अरब सागर में। समझ गया साथियों, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, क्या भी आपका अरब सागर है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, क्या भी आपके। और आपने पढ़ा भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, कौन सा भी आपका। इसलिए भारत की स्थिति यह, जो भारत का भाग है वो प्रायद्वीप है, कैसा भी आपका। आपने पढ़ा होगा प्रायद्वीप की परिभाषा क्या होती है, तीनों और जल और एक और क्या हो, स्थल, क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। इसकी उल्टी परिभाषा होती है खाड़ी की, हमने पढ़ा तीनों और स्थल एक और क्या है, जल, हम इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी। हम बोलते हैं भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और यहाँ क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। हम यहाँ भी बोलते हैं क्या, कच्छ की खाड़ी, क्या बोलते हैं हम। पहला पार्ट पढ़ता है वो कच्छ का रण, कौन सा भी आपका, कच्छ का रण पढ़ता है। दूसरा पार्ट पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, कच्छ की खाड़ी। मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे तरह से पता रहेगा, जानकारी होनी चाहिए, कच्छ की खाड़ी। तीसरी बात हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, खंबात की खाड़ी, कौन सी भी आपकी। यह इसका कई बार नाम आता है कैम्बे की खाड़ी, क्या था भी आपका। हम आगे बात करेंगे भारतीय इतिहास के बारे में, और इतिहास में बात करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। आगे चल करके हम अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं जलालुद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश को, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिला था यहाँ से, खंबात घाटी से, ये मलिक कापुर, समझ गए, जो बाद में उसको सेनापति बनता है और दक्षिणी भारत को विजय करता है, समझ गए मेरी बात को आप। अकबर भी गुजरात में आक्रमण किया था और समुद्र दर्शन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी भी यहाँ आया था और उनको यहाँ से बढ़ोतरी मिली थी, यानी मलिक कापुर को 1000 दिनार में यहाँ से खरीदा था, कहाँ से, खंबात की खाड़ी या कैनबे खाड़ी से, समझ गए। भारत की नदियों में आपका बाकी था क्या, आपने पढ़ा नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब के बारे में पार्ट बाई पार्ट वीडियो डालने वाला हूँ, परंतु आपको पता होना चाहिए साथियों राजस्थान की बात करें तो मोस्टली हम पढ़ेंगे कच्छ के रण में कौन सी गिरती है, तो आपको पता होना चाहिए लूणी, कौन सी गिरती है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी गिरती है, तो हम पढ़ेंगे पश्चिमी बनास, कौन सा भी आपकी, याद रहेगा आराम से आपको। और नंबर तीन बड़े तौर पर बात करेंगे तो यहाँ दो नदियाँ गिरती है, कौन कौन सी, हम एक दो पढ़ेंगे साबरमती, क्या पढ़ेंगे भाई आपकी, साबरमती, और दूसरी पढ़ेंगे माही, कौन सी पढ़ेंगे आपकी। बाकी नदियाँ इसके इनकी सहायक नदियों के रूप में अरब सागर में गिरने वाली, समझ गए। ये तो हम बात कहाँ करने वाले हैं डिटेल से, अरब सागर के पर्वत अंतर में, उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की। सबसे पहले बात करेंगे साथियों, वो आज का आपका हेडिंग है क्या, आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदियाँ, याद रहेगा आराम से आपको, चलिए आगे। आंतरिक प्रवाह या अंतः प्रवाह की नदियों में सबसे पहले बात करेंगे आज हम साथियों गग्गर नदी, किसकी बात करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए अतिथि से, समझ के, गग्गर नदी आराम से समझो उसको, ठीक ना, फ्री माइंड होकर के। ये राजस्थान का मैप है आपका, आपने पढ़ा राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर, कौन सा क्षेत्र या कौन सा गांव सबसे उत्तरतम है आपका,
टोणा गांव, कौन सा भाई आपका? और आपने पढ़ा है इसके संदर्भ में दो जिले और पढ़ते हम क्या, गंगानगर साइड में क्या पढ़ते हम, हनुमानगढ़ एक साइड में क्या पढ़ते हम, बीकानेर, क्या पढ़ते हम भाई आपका? और हमने पढ़ा रहा गंगानगर एकमात्र ऐसा जिला है जो हमारा पंजाब को भी स्पर्श करता है और पाकिस्तान को भी स्पर्श करता है, समझ गए? हमने पढ़ा था भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय का विभाजन, क्या पढ़ा था हमने? हिमालय का विभाजन हम दो तरह से पढ़ा था हमने, समझ गए? बताओ हिमालय का विभाजन दो तरह कौन कौन सा था आपका? प्रादेशिक और लंबवत आधार पर। आज हम बात करेंगे हिमालय के लंबवत भाग की। बताओ हमने चार भागों में बांटा था हिमालय को, चार भाग कौन कौन से? नंबर एक आपने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, कौन सा भी आपका? नंबर दो महान हिमालय, कौन सा भी आपका? महान हिमालय। नंबर तीन कौन सा पढ़ा हमने? मध्य हिमालय, कौन सा भी आपका? और नंबर चार पढ़ा था हमने कौन सा? शिवालिक हिमालय, क्या भी आपका? शिवालिक को हम लघु भी कह सकते, समझे? शिवालिक या लघु हिमालय, समझ गए? आज मुख्यतः बात हमारे शिवालिक से होगी, परंतु आपको पता होना चाहिए हिमालय को लंबवत आधार पर कितने भागों में? चार भागों में। और प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में? चार भागों में। चार भाग कौन कौन से बताओ? नंबर एक पंजाब हिमालय, नंबर दो कुमाऊं हिमालय, कौन सा भी आपका? नंबर तीन नेपाल हिमालय, कौन सा भी आपका? और नंबर चार असम हिमालय, समझ गए? इसकी डिटेल से बात हम आगे करने वाले हैं अगले वीडियो में, जहां हम डिटेल से बताने वाले हैं, परंतु आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। किसकी बात करने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश में सबसे नीचे वाला भाग पड़ता है हिमालय का, कौन सा? शिवालिक, कौन सा पड़ता है आपका? तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। किसकी बात की? तो हमने पढ़ा एक जगह पड़ती है कालका, कौन सी पड़ती है आपकी? कालका। और कहा जाता है ये कालका माता का क्या है? मंदिर है, क्या भी आपका? ये कालका नामक स्थान या कालका माता के मंदिर से एक नदी निकलती है। और आपने पढ़ा ये किसका भाग है? तो पहाड़ियाँ कौन सी है तो हम पढ़ेंगे क्या? शिवालिका की पहाड़ियाँ, कौन सी आपकी? शिवालिका की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर आपकी? और हमने पढ़ा शिवालिका क्यों? क्योंकि लंबवत आधार हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? शिवालिक, क्या कहलाता है आपका? यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है साथियों घग्गर, क्या नाम है आपका? घग्गर नदी का उद्गम पूछे तो आप बता दोगे? कालका नामक स्थान, क्या भी आपका? कालका नामक स्थान या कालका का मंदिर, समझ गए? कालका माता का मंदिर, समझ गए? कहाँ से भी आपका? शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से, और नदी निकलती है और आगे चलती है। हिमाचल के बाद कहाँ चलेगी? हरियाणा में, कहाँ चलेगी आपकी? और हरियाणा के बाद कहाँ चलेगी? पंजाब में, कहाँ चलेगी आपके? पंजाब में, समझ गए ना? तो सबसे पहले भी आपका HP, नंबर दो क्या था आपका? हरियाणा। नंबर तीन क्या भी आपका? पंजाब। चौथा स्टेट कौन सा? राजस्थान। और हम आगे पढ़ेंगे कभी कभार ये कहाँ चले जाती हैं? पाक में, कहाँ चले जाओ आपकी? पाक में, समझ गए? तो इसका प्रवाह या अब इसको बहने का क्षेत्र पूछे तो आपको अच्छे से पता रहेगा आपको। चलिए आगे, आपको पता होना चाहिए साथियों हरियाणा के हिसार में एक झील बनाई जा रही है, इस पर कौन सी आपने पढ़ा होगा? ओटू झील या ओड झील, ओटू झील या ओड झील, जिससे क्या हो रहा है? घग्गर नदी का पानी राजस्थान में आवक क्या हो रही है? इसकी कम हो रही है, आवक क्या हो रही है? कम हो रही है। उसके बाद कहाँ चलती है? पंजाब में। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? राजस्थान प्रवेश करने की जगह का नाम है TB, क्या भाई आपका? हाँ, TB कहाँ पर पड़ता है बताओ? हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ता भी आपका साथियों? राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है आपको पता रहेगा आराम से, कहाँ से करती है? TB हनुमानगढ़ से। और जिमी यहाँ से थोड़ी आगे प्रवेश करती है तो हमने पढ़ा इस नदी पर एक क्या है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, झील बनी हुई, क्या बनी हुई आपकी? झील बनी हुई, झील का नाम क्या है? तलवाड़ा झील, क्या भी आपका? और आपसे कोई पूछेगा तलवाड़ा झील किस जिले में, आप बता दोगे? हनुमानगढ़ में। कहाँ भी आपके? आराम से याद रहेगा आपको। देखो आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें आएगी, नंबर एक तो क्या आया आपका? तलवाड़ा झील, क्या है आपका? बताओ तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़, कहाँ पर आपके? और आपने पढ़ा नंबर दो आप पढ़ोगे तलवाड़ा क्षेत्र या तलवाड़ा जगह कहाँ पर है? तो तलवाड़ा क्षेत्र कहाँ पर आपका? बांसवाड़ा। बताओ बांसवाड़ा में तलवाड़ा क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? हम पढ़ते हैं त्रिपुरी सुंदरी, कौन सा आपका? त्रिपुरी सुंदरी या तुरतई माता, त्रिपुरी सुंदरी या तुरतई माता का मंदिर कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा में। कल्चर में आगे हम पढ़ने वाले हैं त्रिपुरा सुंदरी या त्रिपुरी सुंदरी या तुरतई माता, जो कि पांचाल जाति के लोगों की कुल देवी, समझ गए? डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं। नंबर एक भाग तलवाड़ा झील, नंबर दो तलवाड़ा क्षेत्रीय जगह, नंबर तीन तिलवाड़ा, क्या भी आपका?
ये कंफ्यूज करने वाला बिंदु आपको थे, बताओ तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर। कहाँ भी आपका? और आपने पढ़ा तिलवाड़ा में एक मेला भरता, कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा भी आपका? मल्लीनाथ पशु मेला। बताओ किस नदी किनारे हम आगे पढ़ने वाले हैं? लूणी नदी किनारे। किसके किनारे भी आपका? और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है तो बताओ? राजस्थान सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला। समझ गए? आगे बढ़ूं यहाँ से, सबसे बड़ा पूछे तो पुष्कर, और राजस्व आगे सबसे, राजस्व आगे सबसे बड़ा कौन सा होगा? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। हम वापस अपने मूल टॉपिक माध्यम में जो कन्फ्यूजन था वो दूर कर लिया, समझ गए? हमने पढ़ा झील बनाती है कौन सी? तलवाड़ा झील। कौन सी आपकी? साथियों हम अगली बात करेंगे हनुमानगढ़ जंक्शन की। किसकी करेंगे साथियों? हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन वो जगह है जो गगर नदी के पैंदे में, कहाँ बसे हो अभी आपके? पैंदे में स्थित है। पैंदे में क्या है? स्थित है। दो सवाल अभी तक पूछे गए बड़े तौर पर कि पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? हमने पढ़ा बालोतरा, क्योंकि वो लूणी नदी के बाव क्षेत्र के नीचे बसा हुआ, समझ गए? और हमने पढ़ा दूसरा कौन सा भी आपका? हनुमानगढ़ जंक्शन, जो किस नदी की बात कर रहे हैं हम? गगर नदी। किसकी बात कर रहे हैं हम? गगर नदी के बहाव क्षेत्र में बसा हुआ, समझ गए? इससे थोड़ा आगे बढ़ते साथियों, तो हमने पढ़ा है यहाँ पर एक दुर्ग है, कौन सा दुर्ग भी आपका? हम पढ़ेंगे भटनेर दुर्ग। कौन सा भी आपका? भटनेर दुर्ग साथियों राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, सबसे प्राचीनतम दुर्ग भटनेर, और सबसे न्यूनतम दुर्ग आपने पढ़ा मोहनगढ़। कौन सा भी आपका? और दोनों का निर्माण भाटी शासकों करवाया, किसने करवाया था आपका? आपसे पूछ ले भाटी राजपूतों का शासन कहाँ पर किया था? जैसलमेर। और जैसलमेर भाटी राजपूतों की चौथी राजधानी थी, कौन सी आपकी? अब भाटियों की पहली राजधानी भटनेर, दूसरी राजधानी आपने पढ़ा होगा तनोट, तीसरी राजधानी लोधरवा, सो दूसरी लोधरवा और तीसरी तनोट, और चौथी राजधानी कौन सी थी? जैसलमेर। कौन सी आपकी? ये भाटी राजवंश का पूरा कालक्रम था, ठीक है ना? तो भटनेर बनाया किसने था? भट्टी ने। किसने बनाया था आपका? भट्टी ने। भटनेर दुर्ग को क्या बोलते हैं? उत्तर का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं आपका? उत्तर का प्रवेश द्वार कह सकते हो, उत्तर का प्रहरी कह सकते हो, किसको? भटनेर दुर्ग को। और क्या बोलते हैं हम? उत्तर भड़ की मार। क्या बोलते हैं हम? उत्तर भड़ की मार। किसे कहते हैं उत्तर भड़ की मार? भटनेर दुर्ग को, समझ गए? पश्चिम से आओगे तो क्या है? जैसलमेर है। दक्षिण से आओ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और पूर्व से आओगे तो आपका भरतपुर का कौन सा लोहागढ़ दुर्ग है आपका? समझ गए मेरी बात को आप? इन सबको अलग अलग संख्या दी गई है, परंतु अभी हम ओनली बात किसकी करेंगे? भटनेर दुर्ग की। किसकी बात करेंगे साथियों? इस पर वैसे तो अनेक आक्रमण हुए थे, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। किसने किया था? तैमूर लंग ने। किसने किया था आपका? तैमूर लंग ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण। उसने भटनेर पर भी क्या किया था? आक्रमण। ईयर क्या था आपको पता रहेगा आराम से? 1398। समझ गए? तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में लिखा कि मैंने हिंदुस्तान में सबसे सुदृढ़ दुर्ग को देखा, वो कौन सा है? भटनेर दुर्ग है। कौन सा भी आपका? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम। तैमूर लंग ने किसका उल्लेख किया है? भटनेर दुर्ग के बारे में अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी। आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें ईंटों का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है? ईंटों का प्रयोग हुआ है, समझ गए? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया, किसने जोर किया है? मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया है? जोहर किया है, ठीक है? आपने पढ़ा है। अब आपको बताओ जोहर क्या होता है? देखो हम पढ़ते हैं, एक तो होता है केसरिया, दूसरा क्या होता है? जोहर। जब किसी किले को बाहरी आक्रांत तो घेर ले जाता है, और राजाओं को लगता है, सेनापतियों को, अब तो हम किसी कंडीशन बचने वाले नहीं है, या वो लोग युद्ध करने के लिए क्या करते हैं? राजपूत लोग केसरिया बाना पहनते थे, और पीछे महिलाएं अग्निकुंड क्या करती थी? तैयार करती थी, समझ गए? और वो किले का दरवाजा इसलिए खोलते थे मरने और मारने के लिए, समझ गए? या तो हम युद्ध जीत के वापस आ जाएंगे, या फिर युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। अग्निकुंड इसलिए तैयार करते थे साथियों, ताकि जो उनकी रानियां थी उनके सतीत्व, अपने सतीत्व की रक्षा कर पाए, वो किसी औरों के हाथ नहीं लगे। जब उनको ये समाचार मिल जाते कि राजा जी काम आ चुके हैं, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके खून से संगे हाथ होते वो कपड़े पर लगाए जाते थे, और वो कपड़ा साक्षी मान करके वो कहाँ कूद जाती थी? अग्निकुंड में, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। जब केसरिया होता था और साथ में जौहर होता था, ये दोनों क्या कहलाता था? शाखा। क्या कहलाता आपका? राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 रणथंभौर,
रतन सिंह अमीर देव वर्सेज अलाउद्दीन खिलजी, जोहर किया था किसने? रंगा देवी ने। राजस्थान का एकमात्र जलजोर हुआ था इंदुमती द्वारा, समझ गए, देवल दे द्वारा, समझ गए। हम पर राजस्थान का दूसरा और चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? समझ गए। राजस्थान में अर्ध शाखा कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर में। कहाँ हुआ था आपका? और कहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था? और वो भी किसके आक्रमण के समय? तैमूर लंग के आक्रमण के समय। तो ये डिटेल से हम आगे इसी में बात करने वाले हैं, परंतु जनरल जानकारी आपको यहाँ पर कम से कम होनी चाहिए, समझ गए। इससे आगे हम दो बात और करने वाले हैं। बटनेर की बात हो गई हमें, उन्हें जाकर इसमें और बात करने वाले किसके, इसके किनारे दो सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी बताओ? नंबर एक, बस तीन सभ्यताएं मैं आपको बताता, नंबर एक कालीबंगा, कौन सी भी आपकी, नंबर दो पीलीबंगा, कौन सी भी आपकी, और नंबर तीन रंग महल, कौन सी भी आपकी। अब बताओ कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल तीनों कहाँ पर हैं? हनुमानगढ़ में। तीनों कहाँ पर भी आपकी? हनुमानगढ़ में, समझ गए ना। तीनों के तीनों कहाँ पर आपकी? हनुमानगढ़ में। सबसे अधिक बात किसके बारे में आती है? कालीबंगा के बारे में। किसके बारे में आती है आपकी? हमने पढ़ा भारत में एक सभ्यता, कौन सी? सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता, समझ गए। सिंधु सभ्यता कह सकते हो इसको, सिंधु सभ्यता कह सकते हो, क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल जो खोजे गए वो सिंधु के नदी के किनारे खोजे गए थे, समझ गए। और इसको क्या नाम देते हैं? और हड़प्पा, क्या नाम देते हो आपका? हड़प्पा, क्योंकि सिंधु में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो पिछले वीडियो में, आपको याद है, बताओ हड़प्पा किस नदी किनारे था? रावी। रावी किसकी सहायक नदी है बताओ? चीनाब की। अच्छी बात है, ठीक है, आपको याद है, समझ गए। और इसका नाम क्या आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आता है आपका? सिंधु, सिंधु घाटी देने का रीजन था साथियों, सिर्फ सिंधु नदियों पर नहीं, सिंधु की सहायक नदियां उससे थोड़ा बाहर भी क्या मिला है, इनके सहायक नदियों पर क्या मिले हैं? सभ्यता का अवशेष मिले, इसको क्या नाम दे दिया? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कालीबंगा सिंधु वाले पार्ट में तो नहीं है, समझ रहे मेरी बात को, परंतु किसका पार्ट माना जाता है इसको? सिंधु सभ्यता का, समझ गए। हमने पढ़ा कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? सिंधु कालीबंगा को हड़प्पा की या सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, क्या कहा भाई आपका? याद रहेगा आराम से आपको, तीसरी राजधानी किसने, किसे कहा था? कालीबंगा को, समझ गए। इससे पहले एक नाम आता है स्टुअर्ट पिगट, क्या भाई आपका? स्टुअर्ट पिगट। ये स्टुअर्ट पिगट इतिहासकार मोहदे हुए थे, उन्होंने क्या कहा था कि हड़प्पा और मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां। देखो मैं आपको राजस्थान पढ़ा रहा हूँ, उससे थोड़ा आगे निकल कर जानकारी बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं उसको आगे ले सकते हो आराम से, आप समझ गए। और मैं मानता हूँ कि जानकारी तो आपको मिलनी चाहिए। थ्री डी में आपने देखा होगा किसको, रेंचो को, ज्ञान की क्या वृद्धि होनी चाहिए, कहीं से भी आ रहा हूँ आपको मैं जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा आपके ज्ञान में क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा स्टुअर्ट मोगेट ने, स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था मोदे ने? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा, तो दो राजधानी हो गई, तीसरी कौन सी होगी बताओ? कालीबंगा। कौन सी आपकी? कालीबंगा किस नदी किनारे है? तो हम पढ़ेंगे गग्गर नदी किनारे, किस किनारे आपका? गग्गर का प्राचीन नाम है साथियों सरस्वती, क्या भी आपका? वेदी का नाम आता है इसका क्या? दृष्टि, क्या नाम आता है आपका? समझ गए, आगे बढ़ो यहाँ से। अब कालीबंगा के बारे में डिटेल से हम बात कहाँ करने वाले हैं? सभ्यताओं में, समझ गए। मैं अलग अलग से पोर्शन डालूंगा आपका, किसका? सभ्यताओं का। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या बताओ? काली चूड़िया, क्या भी आपका? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि सिंधु सभ्यता के पार्ट तो जरूर है, पर उससे हटकर कुछ चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, समझ गए कहाँ पर? कालीबंगा में, ठीक है ना। तो डिटेल से हम बात यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा आगे करने वाले हैं, याद रहेगा आराम से आपको, चलिए आगे। साथियों हमने पढ़ा क्या? कालीबंगा और पीलीबंगा और रंगमहल, तीन सभ्यता किस नदी किनारे है तो बताओ? गगर नदी किनारे। और कहा जाता है इसी बटनेर के पास ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त, क्या हो जाती है आपकी? विलुप्त हो जाती है। उसके बाद अधिक पानी आता है इसका, दो जगह है, एक तो आपकी कौन सी आएगी? अनूपगढ़, कौन सी आपकी? हाँ, दूसरी कौन सी आएगी? सूरतगढ़, कौन सी भी आपकी? अब बताओ अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कहाँ पर हैं? श्रीगंगानगर, कहाँ भी आपका? और इन क्षेत्रों में पानी आ जाता, समझ गए। और आपने पढ़ा होगा सूरतगढ़ के ऊपर से दें सुपर क्रिटिकल पावर सेंटर हमारा, या पावर प्रोजेक्ट हमारा सूरतगढ़ में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है कि नहीं आपका? दूसरा भी यही है जैस सागर, कौन सा भी आपका? जैस सागर, ये आपको समझ में याद रखना बहुत जरूरी है। अब इससे भी अधिक पानी आ जाता है साथियों, तो इसकी ये नदी क्या करती है? राजस्थान की सीमा यानी भारत की एक अंतर सीमा है, कौन सी? आपने पढ़ा कौन सी?
रेड क्लिप रेखा को क्या कर लेती है, क्रॉस कर लेती है। अब बताओ रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 में सर रेड क्लिप द्वारा। समझ गए? अब ये एक देश से दूसरे देश में जा रही है, इसका मतलब अंतरिक्ष सीमा क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। और यहाँ कहाँ जाती भी आपकी, हमने पढ़ा एक जिला पड़ता है बहावलपुर, कौन सा भी आपका, बहावलपुर। बहावलपुर जिला किसका है तो पाक का। समझ गए? हमने पढ़ा किस प्रांत का है तो पंजाब प्रांत का। किसका भी आपका याद रहेगा। और एक जगह पड़ती है फोर्ट आबास, कौन सी पड़ती है आपकी, तो अधिक पानी यानी उसका पानी कहाँ तक जाता है तो फोर्ट आबास बावलपुर पाकिस्तान तक जाता। समझ गए मेरी बात को आप? अगर बढ़ो यहाँ से, पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोलते हैं, बहाव को क्या बोलते हैं, हकरा। क्या बोलते हैं आपका? परंतु राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को बोलते हैं साथियों नाली। क्या बोलते हैं? नाली के समान चलती नदी कौन सी, गग्गर। इसके बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं यहाँ पर, नाली। हम पढ़ेंगे पशुधन, क्या पढ़ने वाले हैं हम, भेड़ों की एक नस्ल पढ़ेंगे, किसकी, भेड़ की। कौन सी पढ़ने वाले हैं, जिसका रेशा नाले के समान लंबा हो, कहाँ पाई जाएगी, हनुमानगढ़ और गंगानगर, यानी गगर नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास। नस्ल का नाम भी क्या है, नाली। किस नदी के बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं राजस्थान में, गगर। किसके बदले आपका, गगर। अब इस गगर नदी के बारे में बात कर लेते हैं, समझ गए। गगर नदी क्या है आपने पढ़ा है, ये नंबर एक बिंदु की बात करूँ मैं आपकी, तो आंतरिक प्रवाह, किसके भी आपकी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कह सकते हो हम, बड़ी नदी कह सकते हो, किसको, किसको कह सकते हैं हम, गगर को। साथियों इसकी लंबाई है 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर। राजस्थान में पूछे तो आपको पता करना है 100 किलोमीटर, कितना भी आपका, राजस्थान में कितनी चलती है तो 100 किलोमीटर। समझ गए? राजस्थान में इसके प्रवाह को क्या बोलते हैं बताओ, प्रवाह को राजस्थान में क्या बोलते हैं, नाली। और आपने पढ़ा इसके प्रवाह को पाक में क्या बोलते हैं, हकरा। क्या बोलते हैं आपका, हम पढ़ते हैं एक देवी थी हमारी जिसने हकरा या हाकड़ा नदी को, हकरा या हाकड़ा नदी को एक चुल्लू में पी लिया था, बताओ वो देवी कौन सी थी, आवड़ माता। समझ गए? आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, करणी माता। क्या पढ़ते हम, करणी माता किसका अवतार थी बताओ, आवड़ या तेमड़े राय, आवड़ या आवड़ माता या तेमड़े राय माता का अवतार थी कौन, करणी माता। समझ गए? और ये किसका अवतार थी, हम पढ़ेंगे हिंगलाज माता का। किसका था भी आपका, हिंगलाज माता का, जो लोधरवा जसल में मंदिर पड़ता है, बहुत फेमस मंदिर है, समझ गए ना। और ये किसका अवतार है तो पार्वती। किसका अवतार भी आपका याद रहेगा, पार्वती का अवतार कौन, हिंगलाज। हिंगलाज का अवतार कौन, आवड़िया। और आपने पढ़ा इसका अवतार कौन, करणी माता। कौन भी आपके याद रहेगा आराम से, आपको आपको याद रखना फक, याद रखना आपको याद रहेगा फक, पी का मतलब पार्वती, एच का मतलब हिंगलाज, ए का मतलब और के का मतलब याद रहेगा। आवड़ माता या तेमड़ राय ने हाकड़ा नदी को एक चुल्लू में पी लिया था, समझ गए। अगली बात करेंगे इसके उपनाम, किसकी बात करेंगे हम, अब ये नदी चलती चलती विलुप्त हो जाती है, इसका मतलब मर जाती है, तो नाम क्या है इसका, मरत नदी। क्या भी आपका, हमेशा अपना रास्ता चेंज करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नट नदी। क्या बोलते भी आपका, समझ गए। और क्या बोलते उसको हम, राजस्थान का शोक। क्या बोलते हैं, राजस्थान का शोक। क्यों, कुछ वर्षों बाद चलती है, या मान लीजिए 10 वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 50 वर्ष ऐसे चलती है तो रास्ता अवरुद्ध हो जाता। हमने पढ़ा था धरियन स्थानांतरित बालू का स्तूप चलते हैं इस भाग में, और इससे क्या होता है, तो नदी का बहाव चलता था वो वापस रेत से बंद हो जाता है, तो नदी में पानी अधिक आएगा तो नदी अपना फिर रास्ता बनाएगी, तो सेम रास्ता तो नहीं होगा, इसलिए रास्ता क्या करेगी, वो चेंज करेगी, और इससे क्या होगा, जन धन क्या होती है, हमें हानि होती है, इसलिए क्या बोल दिया हम, राजस्थान का, देखो राजस्थान का शोक घग्गर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी, उड़ीसा आपने पढ़ा उड़ीसा का शोक महानदी, कौन सा भी आपका, और चीन का शोक हांगुओ नदी, कौन सा भी आपकी याद रहेगा आपको, ये शोक आपने पढ़ा है दुख, समझ गए, दुखी होगा यदि गड़बड़ करेगी तो, ये बाहु चित्र चेंज करेगी अपना तो, समझ गए। इसके नाम क्या आते हैं, अन्य नाम आते हैं सरस्वती, क्या नाम होता है आपका, वैज्ञानिकों का अनुमान है, आज भी भूगोलवेत्तों का अनुमान है कि मरुस्थल के पैंते में आज भी क्या चलती है, गगन नदी, और अपना पानी कहाँ जाती है, अरब सागर में, समझ गए ना। मैं कह सकता हूँ पहले जैसलमेर में पीने के लिए पानी नहीं था, 18 मई 1974 और 11 मई 1998 के बाद जो परमाणु परीक्षण हुए हैं, जितना भूगोलवेत्ताओं ने माना है कि उसके बहाव क्षेत्र क्या हुआ है, चेंज, और जैसलमेर की इस बेल्ट में या उस आसपास बेल्ट में क्या हुआ, पानी अधिक हुआ, इसका कारण है कि इसका मतलब ये तथ्य सही है कि यहाँ पर आज भी क्या चलती है, सरस्वती नदी चलती है। अब सरस्वती का वैदिक नाम क्या था,
दृष्टि, क्या नाम था भाई आपका? दृष्टि, समझ गए ना साथियों? आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ोगे वैदिक सभ्यता, क्या पढ़ने वाले हो? वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती या दृष्टि को, समझ गए? इसको नदी तमा क्या कहा गया है? नदी तमा का मतलब क्या हुआ? नदियों में श्रेष्ठ को मां कह सकते, तो आप समझ गए। चलिए आगे, अभी हम सबसे पवित्र किसको मानते बताओ? गंगा को। किसको मानते हैं? गंगा का वीडियो देखा आप सबने? देखो जरूर, आपको बी पार्ट में बहुत शानदार काम आने वाला, समझ गए? तो हमने पढ़ा है मृत नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक, सरस्वती और दृष्टि, समझ गए? और अंतिम बात क्या, सीमा क्रॉस कर रही है इसलिए क्या है? राजस्थान की एकमात्र, राजस्थान की एकमात्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी। क्या भी आपकी याद रहेगा आपको, राजस्थान की एकमात्र क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नदी है, समझ गए? तो इसके बारे में ये आपकी फुल डिटेल थी, ठीक है ना? तो और आपको जानकारी अच्छी लगे, आप ये जानकारी आपको और मिले इसके बारे में, तो आप इसमें ऐड करते रहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने हस्तलिखित क्या बनाएं, हमेशा आप नोट बनाएं। आप एक बार देख लोगे, कुछ टाइम बाद वापस भूल जाओगे। अपने क्या बनाओ, हस्तलिखित आओ साथ में, नोट्स बनाओ, उसमें आप लगातार ऐड करते जाओ। अपने लिखे हुए नोट्स सबसे प्रिय होते हैं और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसको एग्जाम के टाइम में उसको हम बहुत कम टाइम में क्या कर पाते हैं, उसको रिविजन कर पाते हैं, ठीक है ना? तो ठीक, मिलते हैं राजस्थान के अपवा तंत्र, इसी क्रम में मैं सारी नदियाँ पढ़ाऊंगा एक एक करके आपको, और सबको डिटेल में आपको एक एक करके लिखवाने वाला हूँ, ठीक है ना? धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। मैं जरूर कहूँगा कि कल हमने कमेंट देखा था पंजाब से, बच्चियाँ थी वो लाइव, हमने जो हमारा जो वीडियो सेक्शन था उसको देख रही हैं और लगातार कमेंट कर रही हैं। और मैं मानता हूँ ये हमारे लिए इतना पॉजिटिव संदेश, हमें आप इतनी ऊर्जा देते हो आप कि हम पंजाब में बैठ बैठ क्या देख रहे हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।